आज इस प्रोटेस्ट में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा और इस बात को मैं मजबूती के साथ रखना चाहूंगा कि हम सबने, आप सबने मिलकर भगत सिंह की उस कुर्बानी को जिंदा किया है जो उन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हुए चुमा था और कहा था कि अपने इस कुर्बानी से एक ऐसे भारत का निर्माण हमारे आने वाले नौजवान रखेंगे जहां पे दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को और इस समाज में रह रहे आखिरी इंसान को उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। साथियों, मैं यहां पे बैठे हुए राधिका अम्मा के जज्बे को सलाम करना चाहूंगा जो पिछले 3-4 सालों से लगातार रोहित वेमुला के इंसाफ की लड़ाई को देश के एक एक गली, एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी तक ले गई। मैं साथ में बैठी मेरे नफीस अम्मा, नजीब की अम्मा को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं जो पिछले 2 सालों से लगातार सड़क पे उतर के इस सरकार के दमनकारी और शोषण नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा नजीब कहाँ है, मेरा नजीब को ढूंढ के लाओ और जब तक ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक हम तुम्हारे दरवाजे खटखटाते रहेंगे और तब तक नहीं वहां पर जाएंगे जब तक कि हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। साथियों, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इनको लगा कि 282 एमपी के ब्रूट मेजोरिटी के साथ मैं अब इस देश का पिताज बादशाह बन गया हूं। संसद से जब विपक्ष कमजोर पड़ गया तो यूनिवर्सिटी में रह रहे छात्रों ने आंदोलन करने का वादा किया और ये कहा कि इस देश के दलितों, इस देश के किसानों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के मुसलमानों पे, इस देश के छात्रों पे, इस देश के महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ हम उठेंगे और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। क्योंकि जेपी ने कहा था कि अगर, लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। साथियों, हम इस लोहिया को, इस मजबूत आवाज को हमने सड़क पे उतर के इस बात को गवाही दिया है कि चाहे विपक्ष, संसद की विपक्ष कमजोर पड़ सकती है लेकिन सड़क के विपक्ष को हम कमजोर नहीं पड़ सकते। साथियों, ये सरकार को पूरी तरीके से मालूम हो चुका है कि 2019 में इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का छात्र, इस देश की महिलाएं इनको ईंट से ईंट बचा के संसद से बाहर निकालने वाली है। इसलिए जब भी इनको मौका मिलता है ये इस देश के हर तबके को लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये तबके को लड़ाने की साजिश करते हैं। साथियों, इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस देश में पिछले 2 अक्टूबर को इन्होंने किसानों और नौजवानों को लड़ाने का काम किया। वो किसान और वो नौजवान जो इस देश को मजबूती देते हैं, एक अन्नदाता है और दूसरा हमारा और हमारे समाज और हमारे देश को सुरक्षा देता है। साथियों, नजीब की लड़ाई को लेकर हम सब लड़ रहे हैं, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया के हमारे सैकड़ों साथी हो, चाहे यहाँ मौजूद हो, चाहे JNU जहाँ से नजीब ताल्लुक रखता था, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे हमारे बीच में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से आए हुए साथ, तमाम साथी इकट्ठा होकर सवाल कर रहे हैं कि जो CBI जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की पिछड़े तबके की, इस देश के उस तबके की आवाज बने जिस पर जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाए, लेकिन वो CBI तोता बनके, इस नरेंद्र मोदी सरकार की तोता बनके काम कर रही है और मजलूमों के साथ और ज्यादा जुल्म कर रही है। साथियों, ये CBI को इस स्टेज के जरिए मांग करते हैं कि लोकतंत्र में एक दिन आएगा या तो इस CBI के एक भ्रष्ट को जेलों में डाल दिया जाएगा या इनको हमेशा के लिए बैन कर दिया। साथियों, बोलने के लिए और भी वक्त है और आप सभी डटे हुए हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा और एक बात के लिए मैं दोनों यहाँ पे कई माएं बैठी हैं, इन माओं को भी जज्बे को सलाम कहूंगा कि आपका कुर्बानी चाहे अजर नहीं जाएगा। ये तमाम जो नौजवान जो इस देश में आने वाले दिनों में एक फादर का शक्ल लेंगे, वो तमाम बहनें जो आने वाले दिनों में एक माँ की शक्ल लेंगी, आपके सेक्रीफाइस से, आपके आंदोलन से मजबूती हासिल करेंगे और इस देश के एक एक नौजवान, एक एक वंचित समाज के लिए हम लड़ाई को मजबूत करेंगे और आंदोलन खड़ा करेंगे और गांधी की और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और तमाम साथियों को क्रांतिकारी जोहर सलाम।